साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में। आज के इस वीडियो में हम बड़े आ की मात्रा वाले शब्दों का इमला लिखने का अभ्यास करेंगे। इमला जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में श्रुत लेख कहते हैं, यानी कि सुनकर लिखना। तो आज हम बड़े आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। आप अपना कापी और पेन लेकर आ जाइए। अगर अभी तक आपने कापी और पेन नहीं लिया है तो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और कापी और पेन लेकर लेकर बैठिए। तो इमला लिखना आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमको अपने विचार लिखने होते हैं या किसी के द्वारा बोली हुई कोई बात लिखनी होती है, तो जब हमको इमला लिखने का अभ्यास होगा तभी हम लिख पाएंगे, नहीं तो हमको लिखने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो इसलिए इमला का लिखना आना बहुत ज़रूरी है। हम इमला के और भी वीडियो बनाएंगे, पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे सभी वीडियो देखें ताकि आपको इमला लिखना ठीक से आ जाए। तो आइए एक बार हम इन लिखे हुए शब्दों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इमला बोलेंगे और आप लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। राज खाना खा। राज, देखिए यहाँ पर आप जिस अक्षर में मात्रा लगी है उसे देर तक बोलते हैं, जैसे रा ज, जिसमें मात्रा नहीं लगी है उसे कम देर तक बोला, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राज खाना खा। खाना खाकर बाजार जा। अच्छा, बीच बीच में विराम लगे हैं, हम विराम भी बोलेंगे। जहाँ पर एक बात खत्म होती है वहाँ पर विराम लगाया जाता है, तो हम विराम बोलेंगे। विराम आप इस तरह से रेखा खींच देंगे, इसे विराम कहते हैं, ठीक है। ये पूर्ण विराम होता है, यानी कि यहाँ पर बात खत्म होती है। तो आइए हम फिर से पढ़ते हैं। राज खाना खा। खाना खाकर बाजार जा। गाजर टमाटर ला। तारा बाजा बजा। शारदा गाना गा। गाना गाकर चरखा चला। आशा आम खा। आम खाकर पाठशाला जा। अपना पाठ याद कर। पाठ बार बार पढ़। राजा पापा का छाता ला। तो आपने पढ़ा, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखें आप, ये जैसे आप आशा लिखा है, यहाँ पे पाठशाला लिखा है, तो यहाँ पर ये वाला शा बनाए आप, ठीक है, शरीफा वाला शा जो बोलचाल में कहते हैं, बोलचाल की भाषा में, तो यही शा बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, फिर हम आपको इमला बोलते हैं, आप लिखना, ठीक है। तो ये हमने ढक दिया है, तो आप लिखिए, हम बोल रहे हैं। राज खाना खा। राज खाना खा। विराम। खाना खाकर बाजार जा। खाना खाकर बाजार जा। खाना खाकर बाजार जा। विराम। गाजर टमाटर ला। गाजर टमाटर ला। विराम। फिर तारा बाजा बजा। तारा बाजा बजा। विराम। शारदा
गाना गा, शारदा गाना गा, शारदा गाना गा, विराम। गाना गाकर चरखा चला, गाना गाकर चरखा चला, विराम। आशा आम खा, आशा आम खा, विराम। आम खाकर पाठशाला जा, आम खाकर पाठशाला जा, विराम। अपना पाठ याद कर, अपना पाठ याद कर, विराम। पाठ बार बार पढ़, पाठ बार बार पढ़, विराम। राजा पापा का छाता ला, राजा पापा का छाता ला, राजा पापा का छाता ला, विराम। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बिल्कुल सही सही लिखा होगा। तो आइए एक बार इसे चेक कर लीजिए, आपको अपना लिखा हुआ मिला लीजिए। राज खाना खा, अपनी कॉपी से मिला लीजिए। खाना खाकर बाजार जा, सारी मात्राएं मिला लीजिए और अक्षर भी मिला लीजिए। गाजर टमाटर ला, तारा बाजा बजा, शारदा गाना गा, गाना गाकर चरखा चला, आशा आम खा, आम खाकर पाठशाला जा, अपना पाठ याद कर, पाठ बार बार पढ़, राजा पापा का छाता ला। अच्छा, इस वाले वाक्य में सभी अक्षरों में बढ़िया की मात्रा लगी है। अच्छा, आपने मिला लिया होगा, शायद आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिखा होगा। अगर कोई गलती अखबार में हो भी गई हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप इसे लिख लीजिए और इतनी बार लिखिए कि जब तक कोई गलती ना आए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।